जय माता दी। वैष्णो देवी ग्रुप ग्वालियर से जय माता दी। ईश्वर माता मैया आप सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी। ये कमर साहब है, जय माता दी। सभी लोग खुश होके माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए जम्मू स्टेशन पर भाभियां प्रसन्न हैं, खुश हो रही है, जम्मू आ गया है और थोड़ी देर में माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। राधे राधे। जय माता दी। देखो ये राकेश भाई, आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। जय माता दी। जय माता दी। हम सभी जम्मू आ चुके हैं इस समय और यहाँ से ठीक हो जम्मू स्टेशन इतना सुंदर स्टेशन। जम्मू स्टेशन का भव्य नजारा। इसके बाद सीधे हम उधमपुर और कटरा माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाएंगे। जम्मू कितना सुंदर स्थान है। भैया भैया जी, आपको सर्दी नहीं लगती है? नहीं भैया, बस शुरू से ही ऐसा रहा है और आते रहते हैं जनवरी माह में। हाँ तो भैया की कृपा देखिए, ये भक्तजन इनको सर्दी नहीं लगती। नजारा भव्य नजारा। जम्मू स्टेशन जम्मू तभी कितना विहंगम दृश्य देखिए। हमारी ट्रेन एक समस्या आती है, जो कि सिम होती है हम लोगों की एमपी की, वो यहाँ पे थोड़ी बंद हो जाती है। इस वजह से दूसरी सिम के लिए हमें व्यवस्था करना पड़ती है। यही सिम अच्छा हो गई सिम की व्यवस्था। एक सिम की व्यवस्था हो गई है हमारी, इससे सभी लोग बात कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। अरे वाह, परेशानी नहीं होगी। जय माता दी। जय माता दी। सुंदर से नजारे जम्मू देखिए, नीचे कितना भव्य नजारा। तबीयत खुश हो रही है, बच्चे प्रसन्न है बहुत। गाड़ी जम्मू जम्मू तभी कटरा जाते हुए कितने सुंदर नजारे हैं देखिए। सुंदर व्यू जम्मू से कटरा के रास्ते देखिए। ये उधमपुर स्टेशन है, कितना प्यारा व्यू है। देखिए माता के भक्तगण खड़े हुए हैं, कितना प्यारा स्थान है। देखिए आ गए भक्तगण, आ गए हैं भक्तगण आ गया। चलो चलो
गढ़वाल है, सेना का स्थान। देखिए कितना सुंदर व्यू है। जय माता दी, चक्र रखवाल, जय माता दी। सभी लोग देखिए भक्तजन चक्र रखवाल स्थान पे आ गए हैं। देखिए कटरा स्टेशन, माता वैष्णो देवी कटरा। सभी भक्तगण देखिए, सभी भक्तगण हंसते मुस्कुराते हुए देखिए। जय माता दी, जय माता दी। देखिए किस ब्रिज से आया था, किसकी है? सो रहा है, सो रहा है। ममता देखिए, हाँ भाई साहब, सभी लोग कटरा स्टेशन, बहुत अच्छी साफ सफाई। हे माता दी, और हम स्टेशन से पार होते के दूसरी तरफ जाएंगे, माता के भवन की तरफ। कटरा स्टेशन, कितना प्यारा व्यू। कटरा स्टेशन कितना बढ़िया। ले ले लें, देखिए सौर ऊर्जा संयंत्र, पूरा सौर ऊर्जा से संचालित। कटरा स्टेशन, माता वैष्णो देवी, कितना विहंगम दृश्य। इतना प्यारा स्थान, विहंगम दृश्य, पूरा ग्रुप। ये हमारे छोटे लड्डू, बड़े लड्डू। वाह, छोटे लड्डू बड़े लड्डू हैं जी अपने। बाय बाय। देखिए, अरे वाह, सभी लोग ग्रुप के सदस्य आगे बढ़ते हुए। सभी देखिए चोपा लगाए हुए हैं कई लोग तो छोटे में। जय माता दी, जय। ना लो। कटरा स्टेशन और आगे जाके लेफ्ट साइड में भोजनालय है। हाँ देखिए ममता जी, जरा देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर व्यू। देखिए यह भोजनालय आ गया। कटरा स्टेशन,
कितना सुंदर व्यू। देखिए अब हम गेट पे पहुंच रहे हैं और ये मैडम जी हमारी। हेलो मैडम, देखिए क्या, देखिए अब हम आगे बढ़ते हुए अब एंट्री गेट आ गया है। वैष्णो देवी की यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी एंट्री गेट। जय माता दी। हाँ आ गए, अब हम पंजीकरण सुबह सुबह का मौसम है इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं है। देखिए मेन गेट से अंदर आदरणीय सिसोदिया जी हम लोगों को मार्गदर्शित करते हुए बढ़ रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। राघवेंद्र जी इनके मार्गदर्शन में आज सुपरविजन इन्हीं का है। ये बड़े बड़े हाईवे ने बनाते हैं तो आज यहाँ पे भी हमको बहुत मार्गदर्शित कर रहे हैं। बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। माँ सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूरी करें। बिल्कुल करेंगी। जय माता दी। जय माता दी। ये प्रिस्क्रिंग पॉइंट है, यहाँ डॉक्यूमेंट चेंज होते हैं, चेक होते हैं, यात्रा पर्ची बनती है। क्यों भैया, यात्रा पर्ची बनती है ना, चेक पॉइंट है ये। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से अब यात्रा शुरू होगी, परिक्रमा शुरू होगी। देखिए सुबह सुबह का मौसम, अभी रेलिंग खाली, बहुत अच्छा। टाइम कितना हो रहा है? 5:30 हो गए हैं। बहुत सही आए, आनंद का अनुभव, मैया की कृपा बरस रही है। देखो जी ऊपर ऊपर देखिए, लाइट दिख रही है। त्रिकुटा पहाड़, त्रिकुटा भवानी के दर्शन के लिए जाते हुए जय माता दी। जय माता दी। बंद कर लें? नहीं वो बंद की कुछ नहीं, तो चेक करने का हम तो बस हो गया। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार मोबाइल कैमरा बनाता बंद कर ही देंगे ना। तो कौन सा, हम सिक्योरिटी पॉइंट से चेकिंग के बाद, देखो ये चेकिंग पॉइंट था, यहाँ से निकल के अब हम आगे बढ़ रहे हैं यात्रा में। घोड़ा सर चढ़ाई के लिए। जय माता दी। जय माता दी। देखिए नौजवानों की टोली आगे बढ़ती हुई, बहुत ही एनर्जेटिक हैं। ये मैया का दरबार है, यहाँ सभी लोग पूरी एनर्जी के साथ। देखो नया रास्ता ताराकूट मार्ग यहीं से स्टार्ट है, आगे थोड़ी दूर पे अब देखते हैं हमारे कमांडर किस रास्ते को चुनते हैं। अच्छा ये देखिए, ये ड्रिंकिंग वाटर बाणगंगा का पानी, ये बहुत ही शुद्ध जल है। इसके आगे सब फैले, देखो ये कितना बढ़िया पानी है। हे माँ, हे बम बम भोले, ये वैष्णो भैया की जय। देखिए ये बाणगंगा है, बाणगंगा स्नान का स्थान, कितना बाणगंगा है, कितना सुंदर स्नान का स्थान है। चढ़ चुके हैं, हाँ चढ़ जाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए बाणगंगा,
के आगे बढ़ के प्राचीन बाणगंगा मंदिर अभी पट बंद है। देखो कितना सुंदर स्थान, जय माता दी। बाकी देखिए कितना सुंदर स्थान, देखिए आनंद का अनुभव हो रहा है। जय माता दी, जय माता दी बोलते जाओ। कितने सुंदर दरवाजा, घोड़े चले आ रहे हैं। ये देखिए इच्छा पूर्ण माँ भगवती दर्शन, गीता भवन, बाणगंगा, कटरा, भव्य दृश्य, मन को शांति। कितना भव्य दर्शन है माँ का, देखिए माँ सरस्वती पार्वती दर्शन। ये गीता भवन ट्रस्ट बाणगंगा, जय माता दी। देखिए कितना सुंदर दर्शन है मैया के, ये माँ राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राजा राम कुमार जी। प्रथम दर्शन मंदिर चरण पाद ये माँ, अब हम परिक्रमा मार्ग चल रहे हैं बाणगंगा के बाद। देखिए देहंगम दर्शन माता जी, हे माँ। अब हम अर्धकुमारी पर पहुंच गए हैं। देखिए चारों तरफ भीड़ भाड़ है, मैया के भवन की छटा निराली है। चारों तरफ भीड़ भाड़, जय माता दी। देखिए सरस्वती भगवती भवन, जय माता दी। जय माता दी। अर्धकुमारी मंदिर, जय माता दी। जय माता दी। माता पानी की है, देखिए मंदिर के अंदर मना है अर्धकुमारी मंदिर। देखिए अब हम
सांझी छत पे पहुंचने वाले हैं। ये हमारे छोटू दादा, जय माता दी, बेडू, नैना सिंह, खुशी सिंह फ्रॉम भिंड, ये भिंड के फ्रॉम भिंड, वी आर फ्रॉम भिंड, आवर ओरिजिन नेवर चेंज, वी आर पढ़े लिखे, भिंड इज अवर होमलैंड। और मेरे छोटे भाई आदरणी राघवेंद्र जी आ रहे हैं, बहुत जोश है, सब जोश में, सब सभी लोग जोश में हैं। हाउ द जोश, देखिए मैडम जी कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा बबली सिंह, बहुत अच्छा लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपके साथ चलेंगे। सोनू जय माता दी। अब हम सांझी छत पहुंचने वाले हैं। अरे देखिए एंजॉय, चले गया सामने से रस्सी डाल दी। जय माता दी। ये माता रानी का भवन सामने दिखाई दे रहा है, देखिए छोटा भवन वैष्णो मैया का भवन। हम भवन की ओर बढ़ रहे हैं। भैरव बाबा की जय। अब आज हम रोपवे से रोपवे में जा रहे हैं, देखिए कितना एंजॉय है, हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ये सभी लोग आज एंजॉय कर रहे हैं और हमारी बबली आज बहुत खुश हैं। भैरव बाबा की जय। देखिए इधर देखिए कितना प्यारा व्यू है चारों तरफ, देखिए घोड़े जा रहे हैं और गधे भी है। देखिए आने वाली ट्रॉली आपके सामने है। हाँ ये ट्रॉली क्रॉस होती है। हाँ देखिए देखिए कितना सुंदर व्यू है। हाँ देखिए ये पैदल रास्ता है सीढ़ियों वाला भैरव बाबा के लिए। हाँ काफी लोगों ने सुझाया था लेकिन अब हम ने कहा नहीं नहीं अब इसी से चलेंगे, वरना तो सभी लोगों की इच्छा थी कि पैदल ही चलेंगे, लेकिन रोपवे का एंजॉय बच्चों की वजह से आज बड़े लोग आए हैं रोपवे में, वरना तो बड़े लोग तो पैदल ही आते। तो राघवेंद्र जी आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं बिल्कुल भी नहीं आता पैदल क्योंकि काफी खड़ी चढ़ाई है और अच्छा। बहुत मुश्किल, बहुत ही ज्यादा टफ है रोपवे। ये इनकी जनरल नमाजी है, वरना ये बच्चों को मतलब ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, ये इनका बड़प्पन है, वरना तो ये तुम समझ नहीं पाओगे कितने दमदार है। कब अवली है? बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो देखिए व्यूज देखिए आप, कितना प्यारा व्यू। ये देखिए ये देखिए ये दोनों, ये दोनों बैठी है, ये दोनों देखिए बैठी है, दोनों बैठी। अरे अरे खाने मैडम इधर ही, देखिए 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 ये मैडम जी हमारी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। सुबह शाम धार्मिक माता के दर्शन, माता के दर्शन, पूजा पूजा कई बार ऐसे करती हैं, इस तरह से करते हैं कि माता को ही आना पड़ जाता है, माता बुलाती हैं। जय माता दी, जय माता दी। भैया पूरी ले जाना यार, बीच में मत रोक देना। देखिए भैया अब हम भैरव मंदिर पहुंच गए हैं। भैरव मंदिर, हाँ हाँ देखिए हमारा ग्रुप कुछ गुस्से में है। अच्छा अब हम भैरव बाबा पे आ गए हैं। भैरव बाबा की है और देखिए यहाँ से हम रोपवे से आए थे और ये हमारे देवू हैं। सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये भेंट शॉप है, यहाँ से देखिए पर्ची कट रही है, पर्ची कट रही है। इसके बाद यहाँ प्रसाद मिल रहा है। भैरव बाबा की जय। भैरव घाटी बना लो यार एक।
भैरव मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है। देखिए कितना सुंदर स्थान, कितनी गहरी खाई, सामने मैया का दरबार, कितना सुंदर स्थान, मन प्रसन्न हुआ। विहंगम दृश्य भैरव घाटी का, अरे नहीं नहीं वो आए सेल्फी के शौकीन लोग, बंदर घूम रहे हैं सेल्फी के शौकीन लोग।